नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कजरी तीज का व्रत कैसे करें, इसकी संपूर्ण पूजा विधि के बारे में और चंद्रमा को अर्घ्य कैसे दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राखी के तुरंत बाद और जन्माष्टमी से 5 दिन पहले जो तीज आती है उस दिन यह पर्व मनाया जाता है। इसे सातुड़ी तीज, कजली तीज, कजरी तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नीम की पूजा की जाती है। यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पालकी को सजाकर उसमें तीज माता की सवारी निकाली जाती है। इसमें हाथी, घोड़े, ऊंट तथा कई लोग नृत्यक और कलाकार हिस्सा लेते हैं। महिलाएं और लड़कियां इस दिन परिवार के सुख शांति की मंगल कामना में व्रत रखती हैं। इस दिन सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले उठकर दमोड़ी यानी हल्का नाश्ता करने का रिवाज होता है। जिस प्रकार पंजाब में करवा चौथ के दिन सुबह सरगी खाई जाती है, उसके बाद कुछ नहीं खाया जाता और दिन भर व्रत रखा जाता है, उसी प्रकार इस व्रत में भी एक समय आहार करने के पश्चात दिन भर कुछ नहीं खाया जाता। शाम को चंद्रमा की पूजा कर कथा सुनी जाती है। निमड़ी माता की पूजा करके निमड़ी माता की कहानी सुनी जाती है। चांद निकलने पर उसकी पूजा की जाती है। चांद को अर्घ दिया जाता है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है। इसके बाद सत्तू के स्वादिष्ट व्यंजन खाकर व्रत को तोड़ा जाता है। सातुड़ी तीज पर सवाया जैसे 1.25 किलो या 1.25 पाव की सत्तू बनाने चाहिए। सत्तू अच्छी तिथि आवाज देख कर बनाने चाहिए। मंगलवार और शनिवार को नहीं बनाए जाते। तीज के एक दिन पहले या तीज के पहले दिन भी बना सकते हैं। सत्तू को पिंड के रूप में जमा लेते हैं। उस पर सूखे मेवे, इलायची और चांदी के वृक्ष से सजाया जाता है। बीच में लच्छा, एक सुपारी भी लगा सकते हैं। पूजा के लिए एक छोटा लड्डू बनाना चाहिए। कल्पने के लिए 1.25 पाव या मोटा लड्डू बनाना चाहिए। यह एक लड्डू पति के हाथ में जिलाने के लिए बनाना चाहिए। कुंवारी कन्या लड्डू अपने भाई को जिलाती हैं। सत्तू आप अपने सुविधा हिसाब से ज़्यादा मात्रा में या कई प्रकार से बना सकते हैं। सत्तू चने, चावल, गेहूँ, जौ आदि के बनते हैं। तीज के एक दिन पहले सिर धोकर हाथों पैर पर मेहंदी लगानी चाहिए। तीज पूजन सामग्री एक छोटा सत्तू का लड्डू, निमड़ी, दीपक, केला, अमरूद या सेब, ककड़ी, दूध मिश्रित जल, कच्चा दूध, नींबू, मोती की नथ के मोती, पूजा की थाली, जल कलश। पूजन की तैयारी मिट्टी व गोबर से दीवार के सहारे एक छोटा सा तालाब बनाकर घी गुड़ से पाल बांधकर नीम वृक्ष की टहनी को रोप देते हैं। तालाब में कच्चा दूध मिश्रित जल भर देते हैं और किनारे पर एक दिया जलाकर रख दिया जाता है। नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सत्तू, रोली, मूली, अक्षत आदि थाली में रख लें। तीज पूजन विधि इस दिन पूरे दिन सिर्फ पानी पीकर उपवास किया जाता है और सुबह सूर्य उदय से पहले हल्का नाश्ता किया जाता है। इसमें सुबह मिठाई, फल आदि का नाश्ता किया जाता है। सुबह नहा धोकर महिलाएं 16 बार चूल्हा जुलाती हैं, इसके बाद ही पानी पीती हैं। सायंकाल के बाद महिलाएं 16 श्रृंगार कर तीज माता अथवा निमड़ी माता की पूजा करती हैं। सबसे पहले तीज माता को जल के छींटे, रोली के छींटे दें व चावल चढ़ाएं। निमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली व काजल की 13-13 बिंदियाँ अपनी उंगली से लगाएं। मेहंदी, रोली की बिंदी अनामिका उंगली से लगानी चाहिए और काजल की बिंदी तर्जनी उंगली से लगानी चाहिए। निमड़ी माता को मूली चढ़ाएं, मेहंदी, काजल और वस्त्र ओढ़नी चढ़ाएं। दीवार पर लगाई बिंदियों पर भी मेहंदी की सहायता चिपका दें। निमड़ी को कोई फल, सत्तू या दक्षिणा चढ़ाएं। पूजा के कलश पर रोली के से तिलक करें और लच्छा बांधें। किनारे रखे दीपक के प्रकाश में नींबू, ककड़ी, नीम की डाली, नाक की नथ, साड़ी का पल्ला, दीपक की लो, सातू का लड्डू आदि प्रतिबिंब देखें और दिखाई देने पर इस प्रकार बोलना चाहिए। तलाई में नींबू दिखे दिखे जैसा ही टूटे, इसी तरह बाकी सभी वस्तुओं के लिए एक एक करके बोलना चाहिए। इस तरह पूजन करने के बाद सातुड़ी तीज माता की कहानी सुननी चाहिए, निमड़ी माता की कहानी सुननी चाहिए, गणेश जी की कहानी व लपसी तपसी की कहानी सुननी चाहिए। रात को चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। ऐसे दे चंद्रमा को अर्घ्य। चंद्रमा को जल के छींटे देकर रोली मोली अक्षत चढ़ाएं, फिर चांद को भोग अर्पित करें व चांदी की अंगूठी और गेहूं हाथ में लेकर जल से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय थोड़ा थोड़ा जल चंद्रमा की मुख की ओर करके गिराते रहें।
चार बार एक ही जगह खड़े हुए घूमे, परिक्रमा लगाए, आज्ञा देते समय बोले, सोने की साकली, मोतियों का हार, चांद ने अर्घ देता जीवो वीर भरतार, सत्तु के मिंडे पर तिलक करें, भाई पति पुत्र को तिलक करें, पिंडा पति पुत्र से चांदी के सिक्के से बड़ा करवाएं, यानी जो आपने सत्तू का बड़ा सा केक बनाया है उसे चांदी के सिक्के से पुत्र या पति को तोड़ने के लिए कहें। इस क्रिया को पिंडा पासना कहते हैं। पति पिंडे में से 7 छोटे टुकड़े करते हैं। व्रत खोलने के लिए ही आपको सबसे पहले खाना है। पति बाहर हो तो सास या ननद पिंडा तोड़ सकती हैं। सत्तू पर ब्लाउज रुपये रख के बयाना निकाल कर सासू जी के चरण स्पर्श करें, उन्हें देना चाहिए। सास न हो तो ननद को या ब्राह्मणी को दे सकते हैं। का आशीर्वाद लें और व्रत को खोलें। चांद उदय होते नहीं दिख पाए तो चांद निकलने का समय टालकर आसमान की ओर आज्ञा देकर व्रत खोल सकते हैं। इस तरह तीज माता की पूजा संपन्न होती है। दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।